मीडिया रिपोर्ट्स ये भी हैं कि शायद उनको शिफ्ट कर दिया जाए के के हेडकोर्टर तो मुझे उम्मीद है कि आप जो है मेरी माजरत कबूल करेंगे अब्बा जी ने आज कहा कि नहीं ऐसा नहीं है मर्दम शुमारी जो है वो हमने उस वोट किया था और मरदमशुमारी हल्का बंदियाँ हो नहीं दर लगे हैं लेकिन दरख्त लगते हुए किसी को नजर नहीं आते और किसी को समझ नहीं आई दर कौन सी बड़ी जो है ना वो गोला पे लगे हैं वो आपको ना पीछे वाला गोला लगा के मिलना पड़ा है और ये हालात है भी सेफ नहीं है लोगों से नहीं मिल सकते फिर उसके साथ बाकी

तो बहुत मसरूफियत रही उसके अंदर फिर जो है मुझे एक शादी पे जाना था और मेरे पास ड्राइवर भी आजकल छुट्टी पे है तो वो जो मेरे पास एक टाइम होता था ना कि मैं गाड़ी में ड्राइव करते हुए जो है वो जब ड्राइवर गाड़ी चला रहा होता था तो मैं पीछे बैठ के आराम से व्लॉग कर वो भी नहीं हो सकता था तो इसलिए मुझे जो है वो कल स्किप करना पड़ा और मैंने कहा वैसे भी चले ठीक है एक आधा दिन स्किप हो जाए तो क्या फ़र्क पड़ता है तो मुझे उम्मीद है कि आप जो है मेरी माजरत कबूल करेंगे आ, बहुत सारी चीजें हुई कल जो सबसे बड़ी बात थी वो मियाँ शबाशिफ साहब को आ, कल अपने जो आशियाना केस है उसके अंदर उनको जो है वो आ, बरी किया गया अदालत ने जो है उनको भी आहत चीमा और बाद उनके साथ आठ दस और लोग थे उन सबको जो है वो बाइजत बरी किया गया इसके हवाले से कुछ चीज़ें हैं जो मैं आपके नॉलेज में लाना चाहती हूँ फिर एक जो है वो घर में लड़ाई पड़ गई है तो वो घर में लड़ाई की क्या सूरत हाल है वहां क्या हो रहा है सियासी घर है और वो कौन सा घर है ये मैं आपको बताऊंगी आप तब तक जरा सोचते रहे कि ऐसे कौन से वाले सियासी घर के अंदर लड़ाई पड़ी है जिसकी मैंने आपको बात बतानी है उसके बाद इमरान खान जो है उसकी कुछ चीजें सामने आई हैं साइफर केस के हवाले से 190 मिलियन पाउंड्स के हवाले से उसके ऊपर जो है वो हमने जरूर बात करनी है और बहुत सोशल मीडिया के ऊपर खासतौर पर जो टाइगर साफी हैं आ, वो आ, और पूरी एक सोशल मीडिया जो ब्रिगेड है उनकी वो उन जो ट्विस्ट कर रहे हैं आ, हालात को और वाक्यात को और इसके फैक्ट्स को उसके ऊपर बात करेंगे और उसके बाद एंड पे एक दोबारा एक झूठ बोलते हुए अः करते हुए प्रोपेगंडा करते हुए वो भी फेक जो है वो तहरीके फसाद वाले पकड़े गए हैं आ, वो क्या है उसके ऊपर भी हम बात करेंगे पहले शुरू कर लेते हैं मिया शबाशिफ साहब के केस के, के हवाले से कल जो आशियाना के अंदर जो है वो मिया शबाशिफ साहब को बरियत मिली वो केस क्या था आशियाना एक जो है वो स्कीम बनाई थी अः शबाशिफ साहब ने जिसके अंदर घर जो है ये जो वो आपको पता कांतु बड़ा जो कह रहा था मैं जी वो पचास लाख घर देने मैंने एक करोड़ नौकरी देनी वो सब झूठो छूट रही था एक घर भी नहीं बना सका ये मियाँ शबाशी साहब इससे पहले पंजाब के अंदर जब वो खाद में अला पंजाब थे तो उन्होंने आशियाना स्कीम जो है वो शुरू की थी जिसमें रियायती कीमतों पर जो है वो घर जो है बना के दिए गए थे और वो बैलेटिंग के जरिए एक बड़ी शफाफ बैलेटिंग के जरिए जो है वो घर लोगों को मिलते थे उस केस को जो है वो केस बनाया गया अपनी तरफ से और उसके अंदर जो है वो कोई भी फैक्ट्स मौजूद नहीं थे उसकी बैलेटिंग तक एक शफाफ होती थी उसके अंदर जितने घर बने उसका पर रिकॉर्ड मौजूद था ये कोई बिलियन ट्री सुनामी थोड़ी था कि जो है वो अः दरख्त लगे हैं लेकिन दरख्त लगते हुए किसी को नजर नहीं आते और किसी को समझ नहीं आई तो दरख्त कौन सी बड़ी जो है ना वो गोला पे लगे हैं वो आपको पता है ना पीके वाला गोला तो किसी और ही गोला पे लगे थे अः दरख्त जो किसी को नजर नहीं आए तो उसके बाद जो है और ये भी आपको याद रखना चाहिए कि नया शबाज शरीफ साहब को साफ पानी केस के अंदर जो है वो नैब में बुलाया गया था इन्वेस्टिगेशन के लिए वो पेश हुए और वहां पर आशियाना के अंदर जो है उनको गिरफ्तार कर लिया गया अब तीन चार जो केसेसिफ साहब के हवाले से मैं जल्दी से उसके ऊपर जरूर बात कर लू पहले तो यह है कि आशियाना वाला केस मैंने बता दिया उसके बाद साफ पानी जो है वो कंपनी केस उन पर बनाया गया और उस प्रोजेक्ट के ऊपर जो है वो केस बनाया गया जिसको खुद जिसके अंदर बेजाबतियां देखकर मिया मिया शबाशिफ साहब ने वो, के, वो ना सिर्फ वो प्रोजेक्ट रोक दिया बल्कि उसकी खुद तहकीकत का हुक्म दिया और इसी के ऊपर जो है वो जब लाहौर हाईकोर्ट के अंदर उनकी बेल के मामला गए तो उन्होंने कहा कि इसमें तो उन्होंने बहुत अच्छे बच्चे वाला किरदार अदा किया था आपने इसमें क्या ही लिए पकड़ लिया लेकिन उस वक्त आपको पता है कि वो जरूरत थी प्रोजेक्ट इमरान खान की और उसका जो एक दिमागी तोजन जो उस आदमी का बिगड़ा हुआ था इसमें इकतदार के नशे में ताकत के गरूर में वो जो है वो उसको टिकने नहीं दे रहा था सो तो इसलिए उन्होंने उसने जो है वो ये उसकी फरमाइशी प्रोग्राम था कि आम, अरेस्ट करना है मियाँ नवाज शरीफ साहब को भी करना है शबाज शरीफ साहब को भी करना है मरियम नवाज को भी करना है इवन सब को करना है और यहाँ तक कि मियाँ शबाज शरीफ साहब आज जो रोते हैं ना कि जी वो पिंकी पीरनी को जो है वो क्यों बुलाया जा रहा है केसेस के अंदर उनको जो है वो क्यों वो पेश होती हैं अः शरीफ साहब की बेटियाँ जो बिल्कुल जिनका कोई ताल्लुक वास्ता नहीं ना उनके कोई मोकलों की कहानी है ना वो अपने बाप को बताती थी कि वो जो है वो कितने बजे सोएंगे कितने बजे उठेंगे उनके ससुरालों के अंदर भी जो है वो छापे मारे गए हैं बे, है शिफ साहब की वो भी अदालतों में पेश हुई और फिर एक छप्पन कंपनियों का केस था कि कंपनियां जो है वो अपने दौरे हुकूमत में शबाज साहब ने वो वेस्ट मैनेजमेंट वाली हो वो आ, जो है वो आ, पार्किंग लाहौर पार्किंग कंपनी इस तरह की बहुत सारी कंपनीज जो है जो आ, एक टर्किश मॉडल है बेसिकली आ, वहां हमने स्टडी किया था टर्की के अंदर कि उन्होंने भी हर चीज की कंपनीज बनाई हुई थी और अथॉरिटीज बनाई हुई थी जिसके अंदर वो काम होता है तो वो उन्होंने कंपनीज उसके ऊपर ऊपर भी उनके केस बना उसको फिर जो है वो उनको खुद विड्रॉ करना पड़ा बल्कि पंजाब हुकूमत ने अपना जो जवाब जमा कराया पंजाब असम्बली में उसके अंदर उन्होंने कहा कि जी छप्पन कंपनियों के अंदर कोई भी की जो है वो नहीं पाई गई सो तो इस हवाले से प्रिया है कि ये बीजेपी यहाँ पे सब कुछ कर लिया उसके बाद एनसीए चले गए लंदन में जाकर जो है वो मियाँ नवाज शरीफ मियाँ शबाज शरीफ साहब और सलमान शबाज साहब इन दोनों के ऊपर जो है वो मनी लॉन्ड्रिंग के इल्जाम लगाकर इनके बैंक अकाउंट्स फ्रीज कर दिए गए और वहां से फिर एनसीए जो आपको पता है मशहूर जमाना इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है यूके की उसने जो है वो क्लीन चिट दी और उन्होंने कहा कि कोई इल्जाम मनी लॉन्ड्रिंग के बिल्कुल ना कोई ट्रांजेक्शन है ना कोई मनी लॉन्ड्रिंग की जो है वो कोई ट्रांजेक्शन मौजूद है ना कोई सबूत है उसके ऊपर शहजाद अकबर आपको याद होगा कि वो शख्स जो है वो पूरा वजीरम हाउस के अंदर उसका पूरा कब्जा होता था बाकायदा उसने सेल बनाया हुआ था उसके ऊपर वो टारगेट किया करता था कौन क्या कर रहा है और इसकी बरियत के बाद भी उसने एक प्रोपेगंडा भी किया नहीं 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 वो ऐसे नहीं है वो बरियत नहीं मिली फिर डेविड रोज के साथ मिलकर डेली मेल जो है उसने एक कॉलम छापा कि जी वो जलजले के जो पैसे है उसके अंदर गबन हुआ है वो बाकायदा तौर पर डिफरेंट जो है जो कंपनी है यूके की उसने ऑर्गेनाइजेशन है एक उसने जो है बाकायदा संडे के दिन अपने दफ्तर खोल के उन्होंने कहा कि ये झूठ बोल रहे हैं गलत कह रहे हैं ऐसा कोई इल्जाम जो है वो इसके ऊपर नहीं है तो ये जो वो कर सकता था उसने मैक्सिमम करके देख लिया और अब जो है जो केसेस हम इखलाकी तौर पर जीत चुके थे जब पता चल रहा था कि गवाहान भी आके अदालत में कह रहे थे हमें प्रेशराइज किया जा रहा है सियासी तौर पर वो केसेज हम जीत चुके थे जिसके अंदर पब्लिक एट लार्ज को इस बात का पता था और इस बात का यकीन था कि तमाम झूठे फेक बनाए गए हैं और फिर अदालतों के अंदर वो केसेस जो है वो जब जा रहे थे तो उसके अंदर हमारी बेगुनाई साबित हो रही थी तो वो जो जो हम ये तमाम केसेस जीत जी चुके थे उसके ऊपर अब जो है वो एक प्रोसीजर की लग रही है कि जो आपने टाइम का इंतजार करें और फिर वो केस जो है वो चलता रहे आप इतने दिन जेल में भी रहे लेकिन जो है वो जब बाहर निकले तो पता चले कि आप बेगुनाए तो ये मामलाते हैं उसके बाद जल्दी से बात कर लेते हैं इमरान खान जो है उसकी भी आ, एक सौ नब्बे मिलियन पाउंड ट्रस्ट जो है उसके अंदर आ, उनको रिमांड पे दे दिया गया है शिफ्ट कर दिया जाए नैब के हेडक्वार्टर्स के अंदर और तीस दिन का आ, रिमांड जो है वैसे हमारे दौरे हुकूमत ने वो नब्बे नब्बे दिन के रिमांड हमारे लिए दोनों ने भुगते हैं तो तीस दिन के अंदर जो है वो इसकी जमानत भी नहीं हो सकती तो इसको अंदर जाना पड़ेगा वैसे नब्बे दिन होता तो कितना अच्छा होता ना जरा ये भी भुगतता कि लोगों ने दो दो साल जो जेलें काटी हैं इसको भी पता चलता कि बगैर किसी जो है ना वो आ, हमारी तो खैर लगती नहीं थी जमानतें नहीं लगती थी बेंच बन के टूट जाया करते थे और जमानत नहीं लगती थी सो इसलिए जो है वो दो दो साल अः जो है वो जेलों में अंदर रहे तो इस शख्स को भी पता चले कि क्या होता है जब आपने किसी पे सिर्फ इल्जाम लगाते थे तो तुम साबित नहीं कर पाते थे अब तो बहुत खिलाफ जो है वो सबूत शामिल है अच्छा अभी जो एक सोशल मीडिया के ऊपर एक चल रहा है मैंने देखा बहुत सारे क्लिप लगा रहे हैं वो बहुत सारे टाइगर साफियों केडल के ऊपर के कि वो देखे ना जी कोई ट्रांजैक्शन तो हुई नहीं इमरान खान के अकाउंट नहीं पैसे आए ही नहीं तो फिर करप्शन कैसे हुई मतलब इन अक्ल के अंधों को अभी तक शायद केस के बारे में इन नहीं है कि के केस है क्या केस ये है कि एक सौ नब्बे मिलियन पाउंड जो लूटी हुई दौलत थी इस मुल्क की जो इस मुल्क को वापस दी यूके ने वो चूंकि जो है वो मलिक रियाज जो है उनके आ, खिलाफ सुप्रीम कोर्ट ने 450 आ, जो है वो मिलियन का आ, जो है चार सौ पचास अरब रुपए उसका जो है वो जुर्माना किया हुआ था तो इसने बजाय इसके कि वो जुर्माना जो पैसे आए थे वो स्टेट बैंक जाते इसने वहां सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में भेज के उसको एडजस्ट करा दिया तो ये इनका ख्याल है कि ये एक बहुत छोटी बात है फिर यह अलकादर ट्रस्ट जो है जिसके अंदर जो ये जमीन पहले फराग होगी को दी गई मतलब ये जरा इंपॉर्टेंट बात है ये जमीन पहले फरा गोगी को ट्रांसफर की गई और फरा गोगी ने फिर जो है वो इसको बेच दिया बे, दे दिया पिंकी पीनी साहबा को जिन्होंने उसके ऊपर ट्रस्ट बनाया और वो ट्रस्ट जो है वो सेटलमेंट है एक्चुअली उन एक 190 मिलियन पाउंड के रूप में वो हीरे की बात नहीं करी कि तीन कैरेट का हीरा नहीं देना मैं नहीं पिंकी पीनी साहबा जो है वो आपको तब मिलेगा आपकी जो है वो कॉलोनी खुलने का आ, लेटर जब उनको पांच कैरेट का हीरा दिया जाएगा तो ये मामला है और अभी वो मतलब अकल के अंधे अभी ये सोच रहे हैं कि डायरेक्ट ट्रांजेक्शन होती उनके अकाउंट में तो ही करप्शन है ये इख्तियार से तजावुज है ये जो है वो किसी को पाकिस्तान के खजाने को नुकसान पहुंचाकर किसी दूसरे को फायदा देने का जो है वो इल्ज़ाम है और इतना कच्चा चोर तो इमरान खान है नहीं उसने जक़ात खराद खा के डिकार नहीं ली तो ये तो मतलब फिर जो है वो अपने दौरे दोहरेकूमत में कमाए हुए पैसे थे तो इसकी वो इतना ब्लंडर तो नहीं कर जब फर्क होगी कि कंपनियां थी पैसे शो करने के लिए और वो करने के लिए तो पागल है अपनी अकाउंट्स में ट्रांजेक्शन कराएगा उसके बाद एक आ, फेक प्रोपेगेंडा जो है वो मुझे पता है वो मैंने लड़ाई झगड़े की बात बतानी आपको आपको बहुत शौक है लड़ाई झगड़े सुनने का वो मैं एंड पे बताती हूँ एक डेढ़ दिन कल मुझे इस पर बात करनी थी नहीं हो सका कि आर्मी चीफ जो है आसिम नसीर साहब उन्होंने उलमा कराम का एक जो है वो डेलीगेशन बुलाया उसको उन्होंने जीएच में उनके साथ मुलाकात की और उसके ऊपर सलमान अहमद जो बाहर बैठा हुआ एक बगौड़ा है आ, उसने शुरू किया कि जी वो बुलेट प्रूफ जो है वो अः लगा के मिलना पड़ा है और ये हालात है जी एच क्यू भी इनके लिए सेफ नहीं है लोगों से नहीं मिल सकते फिर उसके साथ बाकी जो ओवरसीज के अकाउंट्स है वो शुरू हो गए और वो कुछ टिपिकल अकाउंट्स है वो अम्म एक वो गालिबल अंबर के नाम से कोई है एक बकार कोई है और इनका सब कुछ ब्रियास जो है बाय द वे वो फीड करता है उन्होंने शुरू कर दिया वो जी शीशा लगा सारी दुनिया ने लाभ छड़े और शीशा कितने वो शीशा ना इनकी आंखों पर चढ़ा हुआ है जो जो है नफरत का शीशा ये जो है झूठ का शीशा और मुझे तो लगता है कि इनके दिमागों के साथ साथ इनकी आंखें जो है ना वो भी खत्म हो चुकी हैं पूरी दुनिया में लोग हैरान थे कि ये क्या बात करें कहाँ है शीशा किसको नजर आ रहा है शीशा बट उनको शीशा नजर आ रहा था और वैसे शीशा इनको नजर आना चाहिए क्योंकि शीशे में अपना चेहरा बड़ा साफ नजर आता है तो ये जो फ्रेक फेक प्रोपेगंडा जो ये बनाए गए थे ना ये ये तैयार किए गए थे ये मुजाहिदीन वो आज उन्हीं उन्हीं को जो है वो जिन्होंने बनाए थे उन्हीं के गले पड़े हुए हैं और वो शीशा जो है वो उनको आ, किस तरह से भुगतना पड़ा ये आप देख सकते हैं अब आ जाते हैं जी आखिरी बात के ऊपर जो है लड़ाई झगड़ा लड़ाई झगड़ा जो है उसकी स्टोरी है कि बिलावल भुट्टो जदारी साहब जो आजकल बहुत थोके फायर कर रहे हैं जिनको आजकल बहुत मतलब वो हाइपर एक्टिव हुए हुए हैं वो आ, नाम बुरे बुरे रख रहे हैं वो सियासी मुखालफिन के ऊपर ब्लो द बेल्ट जा रहे हैं अल्लाह जाने मतलब एक तरफ वो ये कहते हैं दूसरी तरफ उनको इलेक्शन प्रोसेस पे भी यकीन नहीं है फिर वो वो कह रहे हैं लाडले भी बन गए हैं और किंग्स पार्टी भी बन गई है एक तरफ वो ये कह रहे हैं दूसरी तरफ अब्बा जी की एंट्री होती है और अबाजी हैं आसिफ जदारी साहब जो शरीक चेयरमैन भी है चेयरमैन के साथ तो वो जो है वो कह रहे हैं कि नहीं इलेक्शन कमीशन पर भी मुझे पूरा इतम है बिल्कुल साफ शफाफ इलेक्शन होंगे इस मुल्क के अंदर और कोई इलेक्शन प्रोसेस के ऊपर मसला नहीं है और इससे पहले भी ये बात हो चुकी है अगर आपको याद हो कि जब बिलावल भुट्टो साहब ने जो है वो ये बात की थी कि जी वो मरदम शुमारी जो है उसके बाद हल्का बंदियों की जरूरत नहीं थी और इलेक्शन में डिले किया गया है जान बूझ के उसके ऊपर भी अब्बा जी ने आकर कहा कि नहीं ऐसा नहीं है मरदम शुमारी जो है वो हमने उस पर वोट किया था और उसके बाद बंदियां होनी ही होनी थी अब ये दो मुख्तलिफ इवेंट्स जो हुए हैं इसमें दो चीजें हैं या तो दोनों बाप बेटे के बीच में गुफ्तु ही नहीं होती है जी उनको पता ही नहीं है कि अब्बा जी इधर को जा रहे हैं तो बिलावल साहब इधर को जा रहे हैं और या फिर ये है कि जो है ये गुड गुटकॉप बैड कॉप खेला जा रहा है एक जो है वो हिट कर रहा है दूसरा जो है वो साथ पेफाई कर रहा है मसला जरा हाथ में रखो बाकी सबको और नाराजगी ना होने दो ये हो सकता है या ये हो सकता है कि ये दोनों जो है इनके आपस में कोई बोलचाल ही नहीं है ये आपस में बात ही नहीं करते इनको पता ही नहीं है अब मरदम शुमारी के बाद हल्का बंदियाँ होती है कि नहीं ये आसिफ जद्दारी साहब फॉर्म को बता रहे हैं लेकिन हमें बेटे को नहीं बता रहे और इधर जो है वो इलेक्शन के ऊपर इतने बड़े 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 सवाल उठा रहे हैं बिलावल भुट्टो साहब जदाई साहब कह रहे हैं कोई मसला ही नहीं इलेक्शन बड़े शिफाफ होना है कोई और ये भी आप याद रखिए एक तरफ पीटीए ने रौला पाया ना वो लेवल प्लेइंग फील्ड तो वो ये हो गया जुलम सतम हो गए तो उनका जो सदर है परवेजलाई साहब वो भी कह चुके हैं मसला ही कोई नहीं है इलेक्शन बड़े साफ सुथरे होने हैं कोई इलेक्शन के अंदर प्रोसेस के अंदर मसला ही नहीं होना तो आप ये बता दें कि ऊँट के ऊट से रिकॉल सिकल सी थी अब इनमें से किसके बयान को क्या समझा जाए या यही समझा जाए कि शरीक चेयरमैन और चेयरमैन एक दूसरे के आमने सामने खड़े हैं अब मैं इसमें कुछ ज्यादा कहती हूँ तो फिर मेरे जो पीपल पार्टी वाले बहन भाई है ना वो नाराज हो जाते हैं हालांकि खाम, खाम। मैं तो सिर्फ बात कर रही हूं मैं तो कोई क्रिटिसाइज नहीं कर रही मैं कुछ नहीं कर रही मैं तो पूछती हूँ मामला क्या है भाई हो कि रहा है हमें कोई बताता ही नहीं कि क्या हो रहा है उल्टा जो है वो डांस डांसोटा लेके हमारे पीछे जाते हैं और हम भी कहते हैं लगे रहो बुना भाई लगे रहो मेरा ब्लॉग देखने का बहुत बहुत शुक्रिया इंशाल्लाह अगले ब्लॉग में आपसे बातचीत होगी मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दीजिएगा सुधाम दिन